पित्रेश्वर हनुमान धाम पर विराजित हनुमान जी की दिव्य और विराट प्रतिमा न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे विश्व में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। श्री पित्रेश्वर हनुमान धाम का 19 दिवसीय दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुक्रवार 14 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगा। परम पूज्य महामंडलेश्वर साध्वी कनकेश्वरी देवी, श्री श्री विद्याधाम के परम पूज्य संत महामंडलेश्वर चिन्मयानंद जी सरस्वती महाराज और परम पूज्य संत उत्तम स्वामी जी के मार्गदर्शन में होने वाले इस समारोह में देश विदेश के कई साधु संत और महात्मा उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार वार्ता में दी। विजयवर्गीय ने बताया कि हनुमान जी साधु संतों और पितरों के आशीर्वाद से अष्ट धातु से निर्मित इस दिव्य और विराट प्रतिमा की स्थापना का संकल्प पूर्ण हो सका है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत 14 फरवरी से आचार्य राहुल कृष्ण जी शास्त्री श्री पित्रेश्वर धाम पर भागवत कथा करेंगे। भागवत कथा का यह आयोजन 22 फरवरी तक चलेगा। 24 फरवरी को श्री विद्याधाम से श्री पित्रेश्वर धाम तक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें 1,00,000 महिलाएं पारंपरिक वस्त्र धारण कर सिर पर कलश लेकर चलेंगी। समारोह के तहत परम पूज्य साध्वी कनकेश्वरी देवी 24 फरवरी से शिव पुराण कथा तथा ब्रह्मर्षि उत्तम स्वामी महाराज श्री राम कथा का वाचन करेंगे। इसी के साथ महामंडलेश्वर चिन्मयानंद जी सरस्वती महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजयवर्गीय ने कहा कि समारोह के तहत पित्रेश्वर धाम पर रोज सुबह से शाम तक सुंदर कांड के पाठ का सिलसिला शुरू हो गया है। 19 दिनों में रामायण मंडल और श्रद्धालुओं द्वारा सुंदर कांड के कुल 1,25,000 पाठ किए जाएंगे। ये पहला अवसर है जब एक साथ एक ही स्थान पर इतने दिव्य आयोजन होंगे। समारोह की पूर्णाहुति 3 मार्च को नगर भोज के साथ होगी। पितृ पर्वत से इंदौर के हजारों लोगों की आत्मीयता और आस्था पहले से जुड़ी हुई है। यहाँ शहर के लोगों ने पौधे के रूप में अपने पूर्वजों की स्मृति को संजोया हुआ है, इसलिए यह तीर्थ एक धाम की तरह हो गया है, जहाँ श्रद्धालुओं को परमेश्वर, प्रकृति और पितृ देवता तीनों का आशीष मिल सकेगा और जहाँ की चेतना पूरे विश्व को आलोकित करेगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर में मध्य प्रदेश नहीं, देश की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा पित्रेश्वर हनुमान धाम, जिसका नाम है और आप सब जानते हैं पितृ पर्वत पर विराजित हुई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आज से प्रारंभ हो गई है। 19 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा होगी है। यह समारोह बहुत ही भव्य होगा, मिनी कुंभ की तरह होगा। बड़े बड़े संत, परम पूज्यपाद गुरु शरणानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद अवधेशानंद जी महाराज, बाबा रामदेव जी, उदासीन आश्रम के श्री महंत रघुमुनि जी, अनेक महामंडलेश्वर इस समारोह में सम्मिलित होंगे और बहुत सारे साधु संत वहाँ पर एकत्रित होकर साधना करेंगे। एक मिनी कुंभ की तरह होगा वो, और ये सभी साधु संतों का आगमन 23 फरवरी के पश्चात होगा। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि यह प्रतिमा, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसे मेरुदंड के नीचे मूलाधार से लेकर और ऊपर स्वाधीन चक्र तक, ऐसे 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र अभिमंत्रित कर इस मूर्ति के अंदर लगाएंगे, जिससे जब भी कोई व्यक्ति हनुमान जी के सामने खड़ा होकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा तो उसके भी 7 चक्रों में हनुमान जी की शक्ति आएगी, ऐसा विद्वानों का कथन है। और इस आधार पर
सात अभिमंत्रित चक्र हनुमान जी की इस प्रतिमा में होंगे। नीचे जो मंदिर बन रहा है उसमें एक अलग हनुमान जी की मूर्ति होगी, जिसकी पूजा प्रतिदिन होगी, जिस पर चोला चढ़ेगा पारंपरिक गति के पारंपरिक तरीके से, जिस प्रकार हनुमान जी की पूजा होती उसमें उसी प्रकार उसकी पूजा होगी। परम पूज्य संत माँ कनकेश्वरी देवी जी, परम पूज्य संत श्री श्री विद्याधाम के महामंडलेश्वर श्री चिन्मयानंद जी महाराज, परम पूज्य संत उत्तम स्वामी जी, तीनों महामंडलेश्वर के मार्गदर्शन में वैदिक परंपरा से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में सबसे पहले राहुल शास्त्री जी की कथा होगी और साथ ही इंदौर के लगभग 70 रामायण मंडल के प्रतिनिधि लगातार 24 तारीख तक 1,25,000 सुंदरकांड का पाठ करेंगे। 1,25,000, ये 1,25,000 सुंदरकांड की पढ़कर हनुमान जी को आहुति प्रदान करेंगे, तो हमने इसका नाम दिया है सुंदरकांड पठन महायज्ञ। और जो भी सुंदरकांड प्रेमी है, जो पढ़ना चाहता है, आपके माध्यम से हम सबसे निवेदन करेंगे कि वे पितृपौर पर्वत पहुँचे। सुबह 9 बजे से सुंदरकांड का पठन प्रारंभ हो जाएगा, वे वहाँ पर जाएं, सुंदरकांड की आहुति प्रदान करें पढ़कर हनुमान जी को, जिससे कि हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत अच्छे हो जाएं। उसके साथ ही आप सब जानते हैं पितृपर्वत पे इंदौर शहर के नागरिकों ने अपने पितरों की याद में पेड़ लगाए हैं, लगभग 1,00,000 से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं, तो लोगों की भावनाएं भी वहाँ से जुड़ी हुई है। और जैसा मैंने कहा पहले भी कि हमने कुछ वास्तुविदों को इंदौर बुलवाया था कि इंदौर का विकास कैसे हो, तो उन्होंने कहा था कि भाई पितृदोष है शहर पे भी, जैसे व्यक्ति पे पितृदोष होता है वैसे शहर पे भी पितृदोष है, तो इस पितृदोष को दूर करने के लिए ही ये पितृश्वर हनुमान, पितरों की पूजा और पितरों के नाम पर पेड़ लगाने का आयोजन हमने प्रारंभ किया था। मुझे लगता है नहीं नहीं ऐसा है, पितृदोष में समस्या कुछ नहीं आती, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है व्यक्ति का भी, व्यक्ति में जैसे पितृदोष होता है तो उसकी पूजा होती है, ऐसे शहर का भी होता है, देश का भी पितृदोष होता है, ये विद्वानों का कथन है। उसके आधार पर मैंने बताया कि समुचित विकास नहीं हो पाता, और मुझे प्रसन्नता है कि पितृपर्वत बनने के बाद इंदौर का नाम विश्व के नक्शे पर आया। जो ये अटैक करवाने के पीछे, तो इस तरह के सवाल उन्होंने इस वक्त में उठाए जब पुलवामा अटैक को जो है उनको श्रद्धांजलि देने का मौका है। देखिए ऐसा है कि कुछ विषय ऐसे रहते पे ऐसे रहते होते हैं जिसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। राहुल जी नादान है, मैं नादान नहीं हूँ कि उनके प्रश्न का जवाब दूँ, इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रश्न पूछना भी चाहिए, और ये नादानी भरे प्रश्न है उनके, इसका जवाब देने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जाति जनजाति आयोग की बात करें, शिकायतों पे शिकायतें फाइलों में दर्ज हो रही है, महिला बाल विकास तमाम तरह के, तो कैसे देखते हैं कि एक साल में एक भी आयोग के अंदर अध्यक्ष नहीं हो पाया, इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार कैसे चल रही है। आयोजन हो रहा है इसमें कौन सी शहीद हुए, उस पर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा है कि इस अटैक से किसको फायदा हुआ, बीजेपी ने जो इंक्वायरी कराई उसके नतीजे क्या निकले, और ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार और अगर नहीं करी तो वो ढाल बनकर तलवार बनकर लोगों के साथ खड़े होंगे। सिंधिया जी का जो स्टेटमेंट है उनका ट्विटर अकाउंट से भी उन्होंने इसको अपने बाइट को शेयर किया है कि वो ढाल बनकर खड़े रहेंगे, तो क्या आशा है ये ढाल बनकर? मैं उनके साहसिक जो उन्होंने बोल वचन किए उसका सम्मान करता हूं। वैसे इतना समय हो गया, एक साल हो गया, लेकिन किसी भी आयोजन ये तो अब मेरा मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के युवाओं का ध्यान बांटने के लिए कि उनमें आक्रोश
है इस बात के लिए कि सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो सरकार दे नहीं पा रही है, बल्कि विधानसभा में उन्होंने मना भी कर दिया। तो युवाओं को बहलाने के लिए इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। बाकी प्रदेश के विकास में ऐसे आयोजन का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, पर हाँ कमलनाथ जी की मार्केटिंग हो जाएगी। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।